पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हाजी रिजवान कुरैशी को 3589 वोटों से हराने में कामयाब रहे। भाजपा के विनोद अग्रवाल को 121,415 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 117,826 वोट मिले। भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई है। विनोद अग्रवाल लगातार 30वीं बार मेयर का चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2 बार उनकी पत्नी बीना अग्रवाल मेयर रही थी। के प्रति आभार अपने शीर्ष नेतृत्व योगी मोदी जी का आभार, संगठन का आभार सभी कार्यकर्ताओं का आभार, जिन्होंने एक बार फिर महापौर बनने के लिए हम सबका आशीर्वाद दिया। हाथ उठा, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे भाई श्री विनोद अग्रवाल जी के महापौर पद पर विजय होने पर मैं सभी नगरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। यह जीत बहुत ही हिंदुओं के लिए एक बहुत ही कांटे की टक्कर की जीत थी, जिसके अंदर हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, इन्होंने जो वोट दिया, जो सपोर्ट दी भारतीय जनता पार्टी और विनोद अग्रवाल जी को, वो एक बहुत बड़ा एक कदम है। और जो ये एक जो इस समय की जो जीत है, ये सन 2024 के लिए एक इतिहास लिखेगा ये मुरादाबाद शहर का। और इसके अंदर जो मुरादाबाद जो एक्सपोर्ट सिटी है, ब्रास सिटी है, इसके अंदर जो बदलाव आएंगे, जो एक्सपोर्ट बढ़ेगी और शहर का विकास जो अभी अधूरा रह गया, जैसे अब मुस्लिम मुसाफिर खाना अभी टूट गया है, उसके सड़क चौड़ी होनी है, जो जो योजनाएं बाकी रह गई हैं वो सब पूर्ण होंगी। और मेरा मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ विनोद अग्रवाल जी की तरफ से कि वो इस शहर के लिए ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि जो हमारा जो भी श्रीमती बीना अग्रवाल जी का विचार था वो सब पूरे होंगे। जय हिंद। मैं सभी अपने संगठन की पदाधिकारियों का आशीर्वाद और जिनकी तरह से ये संभव हो पाया उनका आभार, इनके आशीर्वाद से ही आज इतनी खुश हूँ। मैं सभी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, योगी जी की, ट्रिपल इंजन की सरकार जो विनोद अग्रवाल जी के बनने जा रही है, उन सभी के लिए अभी समर्थन का आभार। बार फिर से हैट्रिक लगाई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।